आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, घर के अन्न धन में बरकत आती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, मुश्किल से घर का गुजारा चला पाते थे। लेकिन बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह हर रोज भगवान विष्णु जी के मंदिर में दर्शन को जाया करती और बृहस्पतिवार को जो कुछ उससे बन पड़ता भगवान को अर्पित करती और बृहस्पतिवार की कथा कहानी जरूर सुनती। एक दिन उसका बेटा गांव में किसी की गायें चराने के लिए जंगल में ले गया। जब वह गायें चरा रहा था तो बृहस्पति जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर उसके पास आए और बोले, बेटा तेरी गायों का तो मैं ध्यान रख लूँगा, तू मेरे मैले वस्त्र धो दे। लड़का बोला, बाबा आप आराम से बैठो, मैं गायों का भी ध्यान रख लूँगा और आपके वस्त्र भी धो दूँगा। वस्त्र धोने के बाद जब लड़का उस ब्राह्मण के पास आया तो ब्राह्मण बोला, बेटा मुझे भूख लगी है। लड़का बोला, यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ चलो। लड़का ब्राह्मण को घर ले आया और अंदर जाकर माँ से बोला, माँ एक बूढ़े ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, करेले का साग और चार रोटी बनाई हैं, दो उसे दे देंगे और एक एक हम दोनों खा लेंगे। ब्राह्मण को भोजन पर बिठा दिया, दो रोटी और करेले की सब्जी दे दी और कहा, महाराज खा लो। दो रोटी खाकर ब्राह्मण बोला, मेरी तो भूख मिटी नहीं, मुझे और रोटी दो। लड़के ने दो रोटी और लाकर दे दी और कहा, बाबा अब हमारे पास और रोटी नहीं है। भोजन करने के बाद ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, बेटा सात तरह के अनाज के दाने लेकर आओ। लड़का गांव में पंसारी की दुकान पर गया और सात प्रकार के अनाज के दाने मांग लाया। ब्राह्मण बोला, अब इसे अपने घर के हर कोने में रख दो। यह कहकर ब्राह्मण बाहर जाने के लिए निकल गया। वो लड़का और उसकी माँ क्या देखते हैं, जहाँ जहाँ सात प्रकार का अनाज रखा था वहीं वहीं सात घड़े धन के भर गए। बुढ़िया माई हैरान रह गई और भागी ब्राह्मण के पीछे पीछे, जाकर पैर पकड़ लिए और बोली, बताओ आप कौन हो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, बुढ़िया माई इतना धन दे आया, कम है क्या, और चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, आप कौन हो मुझे ये बता दो। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं बृहस्पति देव हूँ, मैं तेरी पूजा सेवा श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न था, इसलिए तेरे घर तेरी परीक्षा लेने आया। तू इस परीक्षा में भी पास हो गई, इसलिए तू मेरी कृपा को प्राप्त हुई है। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं आपकी पूजा अर्चना कैसे करूं, कृपा कर मुझे बताओ। बृहस्पति देव बोले, जो मेरी कृपा पाना चाहता है वह शुद्ध भाव से वीरवार को केले के वृक्ष की पूजा करे, पीला चढ़ाए, पीला अन्न खाए, पीला वस्त्र पहने, पीला भोजन दान में दे, पीले फूल
पीले वस्त्र इन सब चीज़ों से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई इन सब चीज़ों से बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पूजन करने लगी और बृहस्पति जी की कृपा से उसके घर में हर चीज का सुख हो गया। बोलो बृहस्पति देव की जय। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को अन्न धन दिया वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबकी मन इच्छा पूर्ण करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।